दोस्तों, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो या वेब डिज़ाइनर हो, आपको पता होगा कि एक ब्रांड को सक्सेस करने के लिए लोगों का अच्छा डिज़ाइन होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी ब्रांड या कंपनी की पहचान एक अच्छे लोगो से ही होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा है बेस्ट लोगो टाइप डिज़ाइन, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया यूआई यूएक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी कंपनी है वर्ल्ड में जिसने अपने लोगो डिज़ाइनिंग और ब्रांडिंग के लिए बहुत सारे पैसे यानी करोड़ों खर्च किए हैं। तो इसमें पहला नाम आता है सीमेंटेक का। सीमेंटेक ने कम से कम 8,922 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अभी तक अपने ब्रांडिंग और लोगो डिज़ाइन को लेकर। वहीं पे दूसरे नंबर पे आता है ब्रिटिश पेट्रोलियम, जिन्होंने करीब करीब 1,464 करोड़ यानी 1,464 करोड़ इंडियन रुपीस खर्च किए हैं अपने ब्रांडिंग पे, अपने लोगो डिज़ाइनिंग पे। थर्ड नंबर पे है एक्सेंचर, जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, इसने 697 करोड़ तक खर्च किए हैं अपने ब्रांडिंग पे। और अगर मैं चौथे नंबर की बात करूँ तो पोस्टल नॉच, एक पोस्टल कंपनी है, जिन्होंने कम से कम 383 करोड़ यानी 383 करोड़ तक खर्च किए हैं अपने लोगो डिज़ाइन और ब्रांडिंग पे। और पाँचवें नंबर पे है ANZ, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बैंकिंग ग्रुप है। इन्होंने कम से कम करीब करीब 105 करोड़ रुपए अपने ब्रांडिंग पे और लोगो डिज़ाइनिंग पे, रीब्रांडिंग पे जो है अभी तक खर्च किए हैं। तो आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो लोगो डिज़ाइनिंग, रीब्रांडिंग, अपने ब्रांड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि वही उनकी पहचान होती है, इसीलिए वो खर्च करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन से हैं वो अलग अलग लोगो टाइप डिज़ाइन जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है मोनोग्राम लोगोस। मोनोग्राम लोगोस को आप लेटर मार्क्स भी कह सकते हो। ये किसी भी ब्रांड का नाम होता है, ये पूरा नाम नहीं रहता, लोगों में यूज़ नहीं किया जाता, उसकी जो इनिशियल लेटर्स होते हैं उसे यूज़ करके बनाया जाता है। जैसे कि अगर मैं HBO की बात करूँ, HBO का पूरा नाम है होम बॉक्स ऑफिस, तो होम का H, बॉक्स का B और ऑफिस का O, ये जो है तीनों लेटर्स हैं अपने वर्ड्स के, यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो तीनों इनिशियल लेटर्स यहाँ पे इस तरह के लोगों में, मोनोग्राम लोगों में यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम का देखोगे HP है, या हेवलेट पैकेट का है जो लैपटॉप या कंप्यूटर्स बनाती है, तो उसका भी है इनिशियल HP। और जैसे कि लाइफ गुड, लाइफ का L और गुड का G, तो LG जो प्रोडक्ट है, या जनरल इलेक्ट्रॉनिक का GE हो गया, या फिर हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड का HCL हो गया। तो ये इनिशियल लेटर्स को लेके ही यहाँ पे लोगोस बनाए जाते हैं। क्या होता है कि दो तीन वर्ड्स अगर हो ब्रांड का नाम, तो थोड़ा लोगों को याद रखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसीलिए मोनोग्राम्स लोगोस में बेसिकली इनिशियल लेटर्स लेकर बनाते हैं। जो दूसरा हम देखेंगे वो है वर्डमार्क्स यानी लोगो टाइप्स। इसमें क्या होता है, ब्रांड का जो है पूरा नाम लिखा जाता है, यहाँ पे इनिशियल यूज़ नहीं करते। इसमें ब्रांड के रिकॉग्निशन भी ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे गोदरेज लिखा हुआ, या गूगल है, या कंप्लीट नाम है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो पूरा नाम लिखा गया है ब्रांड का। बट क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ या चैलेंजिंग चीज़ ये होती है कि इसके जो टाइपोग्राफी है उस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसका टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट्स जो इसमें सिलेक्शन करना होता है, या फिर कलर कॉम्बिनेशन से होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्रांड को ध्यान में रखकर, या प्रोडक्ट को ध्यान में रखकर जो है ब्रांड के लिए यूज़ किया जाता है। और फॉन्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल यहाँ पे। कोई कर्सिव होता है फॉन्ट, या सैंस सेरिफ होता है, या सैंस होता है, या फिर अलग अलग डेकोरेटिव फॉन्ट्स यूज़ किए जाते हैं इस तरह के लोगों के लिए। कलर्स का कॉम्बिनेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप गोदरेज में देखोगे तीन कलर का कॉम्बिनेशन है, या गूगल के लोगों में 6 अलग अलग कलर्स हैं, या वीज़ा में 2 अलग कलर्स हैं, तो कौन से कलर किस तरह की इमोशंस रिफ्लेक्ट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, ये भी इस तरह के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वर्डमार्क्स लोगो जो होता है बेसिकली पूरा ब्रांड का नेम होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तीसरा जो हम देखेंगे वो होता है मैस्कॉट्स लोगो। मैस्कॉट्स यानी एक कैरेक्टर जो अपने एक प्रोडक्ट को जो है रिप्रेजेंट करता है, जिसमें किसी भी तरह का कैरेक्टर का इलस्ट्रेशन यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, या मिशेलिन टायर्स के लिए एक रबर का कैरेक्टर यूज़ किया गया है, या फिर एयर इंडिया का लोगो है उसमें जो पुराने महाराजा का इमेज या मैस्कॉट यूज़ करते हैं, या फिर अंबुजा सीमेंट में जो है यहाँ पे एक पहलवान है जिसने स्ट्रांग बॉडी है और उसने बिल्डिंग को उठा के रखा है, इसका मतलब सीमेंट जो है इनका बहुत स्ट्रांग है। तो इस तरह के इमोशंस बिल्ड करने के लिए मैस्कॉट भी यूज़ किए जाते हैं, जो इमोशनली आपसे कनेक्ट होते हैं। ये कार्टूनिश भी होते हैं, कभी कभी फनी भी लगते हैं, ऐसा लगता है इनको देख कर कि ये आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग होते हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, आप मैस्कॉट लोगो भी बना सकते हो आपके ब्रांड के रिकॉग्निशन के लिए। ऐसे बहुत सारे कंपनीज ने अपने ब्रांड के लोगो में जो है मैस्कॉट का यूज़ किया है।
जो अगला हम देखेंगे वो है पिक्टोरियल लोगो टाइप्स। अब ये बेसिकली ये सिंबल फॉर्म में होता है जिसमें किसी तरह का टेक्स्ट या कंपनी का नाम नहीं होता। इसमें एक कस्टमाइज लोगो यूज़ करते हैं जिसे देखकर आप पहचान जाओगे कि ये कौन सा ब्रांड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चिड़िया का फोटो रख दूँ तो आपको पता चल जाएगा ये ट्विटर का लोगो है, या फिर एक एप्पल का इमेज देख के आपको पता चल जाएगा कि एप्पल के प्रोडक्ट की बात हो रही है, एंड्रॉयड का लोगो है। तो यहाँ पे नीचे एंड्रॉयड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रांड का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंबल देख के लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे किस तरह के ब्रांड की बात हो रही है। तो इसको कहते हैं पिक्टोरियल लोगो टाइप। ये ब्रांड की पहचान है जो लोगों को देखते ही पता चल जाता है। इसमें ये चैलेंज होता है कि कौन सा इमेज या कौन सा लोगो या आइकन आपके प्रोडक्ट के साथ जाता है वो सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बताता है कि आपकी ब्रांड क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग चीज़ है पिक्टोरियल लोगो टाइप डिज़ाइन करते समय। अगला जो हम देखेंगे वो है एब्स्ट्रैक्ट लोगो टाइप। अब एब्स्ट्रैक्ट लोगो टाइप भी एक पिक्टोरियल लोगो की तरह ही होता है, पर इसमें क्या होता है बेसिकली एक सिंपल सा सिंबल की जगह ज्योमेट्रिकल शेप्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरीके से। अगर यहाँ पे आप देखोगे जो ये बीपी है यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम का जो लोगो है, यहाँ पे एक सितारा एक स्टार है वो बर्स्ट हो रहा है। तो यहाँ बर्स्ट के लिए उन्हें अलग अलग लेयर्स दिए हैं, अलग अलग शेप्स दिए गए हैं। उसी तरीके से अगर हम एशियन पेंट्स के लोगो की बात करें तो आप देखोगे कलर लगाते समय किस तरीके से पेंटर जो है अपना हाथ घुमाता है, उसी तरीके से यहाँ पे जो है शेप दिया गया है। या फिर एडिडास है जो एक फ्लावर का डिज़ाइन है, उसके अंदर स्ट्राइप्स दिए गए हैं जो रफ्तार को दिखाता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स एब्स्ट्रैक्ट के डिज़ाइन में बनाया जाता है, या किसी भी तरह का शेप होता है फिर एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन करके इसको बनाया जाता है। तो इस तरह के लोगो डिज़ाइन में आपको जो है अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके दिखाने का मौका मिलता है, और इससे ब्रांड के इमोशंस के बारे में भी पता चलता है। अगला हम देखेंगे वो है कॉम्बिनेशन मार्क लोगो टाइप्स। ये कॉमन डिज़ाइन ही होता है जिसमें मोनोग्राम के साथ आप पिक्टोरियल डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो, या मैस्कट के साथ पिक्टोरियल डिज़ाइन यूज़ करके जो इस तरह का लोगो जो है डिज़ाइन किया जाता है। इसमें वर्ड्स होते हैं वो लोगो के साइड में हो सकता है, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में या बॉटम में। तो प्लेसमेंट जो है लोगो का, टेक्स्ट का, वो कहीं भी हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे बर्गर किंग का जो लोगो है, जो ऊपर एक ब्रेड है, नीचे एक ब्रेड है, बीच में बर्गर किंग लिखा हुआ है, जो लगता है कि एक बर्गर का इमेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन है फॉन्ट का और सिंबल का। इसी तरीके से HDFC आप देखोगे तो HDFC का लोगो हमेशा HDFC के टेक्स्ट के साथ ही कॉम्बिनेशन करके आता है। तो इस तरह के लोगो आपको कॉम्बिनेशन मार्क के अंदर आते हैं, जो आप सिंबल्स को, फॉन्ट्स को, कलर कॉम्बिनेशन को, टाइप्स को, फॉन्ट्स को, ये सारी चीज़ें मिलाकर एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। और ये काफ़ी अच्छा भी है, इस तरह के लोगों को ट्रेडमार्क करना काफ़ी आसान भी होता है। जो अगला हम देखेंगे वो है एम्बलम लोगो डिज़ाइन। इसमें ज़्यादातर फॉन्ट्स को जो है सिंबल या आइकन्स के अंदर डिज़ाइन किया जाता है। ये एक स्टैम्प की तरह, जो स्टैम्प लगाते हो, या फिर सील होता है जो सील किया जाता है बेसिकली, या कोई बैच की तरह दिखाई देता है। ज़्यादातर स्कूल्स हो गए, या कॉलेज, या ऑर्गेनाइजेशंस, या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो गई, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हो गए, उनके लिए इस तरह के लोगोज़ ज़्यादातर बनाए जाते हैं। अगर आप राजस्थान रॉयल का लोगो देखो तो अंदर एक सिंबल यूज़ किया है, अलग तरह फॉन्ट यूज़ किया है, बट वो सब कुछ है एक सर्कल के अंदर है, एक पैच के अंदर है। उसी तरीके से अगर आप इंडियन रेलवे का लोगो देखोगे तो इसके अंदर एक ट्रेन का वेक्टर यूज़ किया गया है, प्लस हिंदी और इंग्लिश में इंडियन रेलवेज लिखा गया है, और ये सारी चीज़ों जो है वो एक सर्कल के अंदर एम्बेडेड करके आ गई है। तो ये बाहर इससे कुछ नहीं है, तो एक तरह का एक बैच लगता है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो एम्बलम लोगो डिज़ाइन के अंदर अगर आप देखो तो इस तरह के लोगोस डिज़ाइन किए जाते हैं। तो दोस्तों, लोगो बनाना आसान काम नहीं है। ब्रांड को समझना, ब्रांड को, बिजनेस को समझना और फिर लोगो डिज़ाइन करना, यही सही तरीका होता है लोगो डिज़ाइन का। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियोस देखने हैं, और मैं इसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।